इज़ वेलकम टू माई चैनल ईवी रॉक्स टीम, जहाँ पर लीग्स कप का एक और मैच खेला जाएगा जो कि रियल सॉल्ट लेक वर्सेस एटलस के बीच हो रहा है 6:30 बजे। बढ़िया लीग है वैसे, मैं जितनी भी टीम बनाता हूँ सुबह के मैच की ऑलमोस्ट आप उस सब में जीतते हो, मैंने देखा है। एंड ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। गाइज हम इस वीडियो में किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। सो बढ़ते हैं आगे, तो बात करें अगर हम इस मैच की, देन रियल सॉल्ट लेक एंड एटलस में अगर बात करूँ तो मेजर लीग सॉकर में RSLC का जो गेम प्ले है बहुत तगड़ा रहा है, मतलब मेजर लीग सॉकर के अंदर भी, लीग्स कप में भी। लेकिन एटलस की बात करूँ तो ये टीम मैक्सिकन लीग में तो अच्छा कर लेती है जैसे तैसे, लेकिन जब बात आती है लीग्स कप की तो इन्होंने अभी तक हॉटसन को हराया था। अभी इन्होंने एक टीम है एच डॉटसन करके, पता नहीं, या हॉटसन करके, तो उनको हराया था इन्होंने 1-0 से। लेकिन आज मुझे दिख रहा है कि आज ये हारने वाले हैं खुद, आज एटलस टीम हारेगी और जीतेगी RSLC, और मेरे को लग रहा है 2 गोल का मार्जिन भी होगा या तो 3-1 का स्कोर आएगा, तो स्कोर तगड़ा आएगा इतना तो मैं बता दूँ। तो आगे चलते हैं, तो स्ट्राइकिंग की बात करें, देखिए भाई स्ट्राइकिंग सेक्शन में अपने को कोई भी दिक्कत आने नहीं वाली, क्योंकि इतने ऑप्शन है कि टीम भरी हुई है। सबसे पहले मैं बात करूँगा एंड्रेस गोमेस की, भाई साहब इस बंदे ने पूरा फुटबॉल ही बदल दिया। मतलब CR Engo की जब इंजरी हुई थी तो उसके बाद गोमेज़ आया, तो गोमेज़ जब आया तो हमें लगा था कि ये फ्लॉप कर देगा पूरी टीम, लेकिन ये बंदा टीम को यहाँ, मतलब अगर देखा जाए तो ये टीम को यहाँ से यहाँ ले गया। मतलब इतना गैप, इतना टॉप क्लास खेला है, जबकि ब्रूक को मौका दिया, जूलियो को मौका दिया, मौका सबको दिया। लेकिन अगर रेंगो की वापसी होती है तो रेंगो तो वापसी करेगा, लेकिन इस बार गोमेज़ टीम से बाहर नहीं होने वाला। सो अभी आप रेंगो को सेव करो, मैं रेंगो का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, अगर मैं गोमेज़ का फ़ैन हूँ तो गोमेज़ से बड़ा फ़ैन मैं इस बंदे का हूँ, क्योंकि रेंगो भाई साहब फर्स्ट प्रायोरिटी है हर बंदे की, हर जो भी टीम बना रहा है, हर फैंटेसी टीम मेकर की। उसके बाद जूलियो की अगर बात करें, देखिए जूलियो तब खेलेगा अगर रेंगो नहीं खेलेगा, तो ये अब आप पे डिसाइड करना रह गया। जब आप सुबह उठोगे 6:30 बजे जब ये मैच होगा, तो लाइनअप्स आने के आधा घंटा पहले या लाइनअप्स आने के आधे घंटे बाद जब लाइनअप्स आ चुकी होंगी, तो आपने देखना है कि रेंगो खेल रहा है कि नहीं। जब रेंगो नहीं खेल रहा होगा, बस आपने एक काम करना है, इसको निकाल के जूलियो ले लेना है, बस इतना सा काम कर लेना, ठीक है। उसके बाद एटलस की बात करें, देखिए उनकी टीम में 2 ऑप्शंस हैं, इन्होंने रेगुलर मुरिलो को भेजा, इन्होंने एग्वर को भेजा। एग्वर ने कुछ खास नहीं, मतलब मुरिलो ने कुछ खास नहीं किया, एग्वर ने फिर एक आध गोल किया होगा जो अपना मैक्सिकन लीग में, इसलिए मैं इसके साथ जाऊँगा। मिडफील्डिंग सेक्शन की बात करें, फुलगैनशो बिल्कुल फिट है, जेरमी मार्क्यूस बिल्कुल फिट है, ये सारे फिट प्लेयर हैं जिनको हमें अपनी टीम में लेना है। उसके बाद डी एंजल लूना द मेन असिस्टर ऑफ द मैच, इतनी असिस्ट तो भाई साहब मैंने सोची ही नहीं थी कि एंजल लूना करेगा। उसके बाद ओजेडा की अगर बात करूँ तो ब्रेन ओजेडा को ये जान पूछ कर खिला रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि ओजेडा क्रूक्स से बेटर निकला, जबकि क्रूक्स पहले खेलता था किसी दूसरी टीम में, तो मैट क्रूक्स का वहाँ बहुत नाम था, ये किसी लीग भी दूसरी में खेलता था, पता नहीं कोई इंग्लैंड की शायद लीग थी। तो उसके बाद इन्होंने देखा कि ओजेडा अच्छा खेल रहा है, इन्होंने ओजेडा को ऊपर भेज दिया, लेकिन ओजेडा का काम यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर 4 डिफेंडर्स का काम है। द फर्स्ट वन वॉज बी वेरा, उसके बाद कैट्रेंटिस, ठीक है, आगे ग्लैड भी खेलेगा, और ग्लैड के बाद जो भी 4 डिफेंडिंग करे, भले वो कोई भी हो, ब्रॉडी हो, मेरे को जहाँ तक शक है ये ओविडो को शायद भेजेंगे, तो मैं इसको सेव कर रहा हूँ। एंड गोल कीपिंग सेक्शन की अगर बात करें, देखिए वेरगस का खेलना अभी श्योर नहीं है, सो अभी आप जे हर्नांडिस को सेव कर लीजिए, अगर हर्नांडिस नहीं खेलेगा तो समझ जाना कि भाई वेरगस खेल रहा है। तो बात करें कप्तान की, मेरा जो कैप्टन है वो है भाई एंड्रेस गोमेस, बदलना मत कप्तान, मैं पहले ही बता रहा हूँ, दिल ना फिसल जाए आपका सिलेक्शन देख के, सिलेक्शन को भाई गोली मारो, सिलेक्शन मत देखो। और बात करें यहाँ पर वाइस कैप्टन, तो वाइस कैप्टन रहेगा एंजल लूना। तो ये मेरी टीम है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।